ओह शिट, द मार्वल्स मूवी एक्चुअली में मिस मार्वल के बारे में है। तो हमें पता चली गया द मार्वल्स का मेन प्लॉट इनकी स्वॉपिंग वाली पावर्स पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से कमाला खान सेंटर में आ जाती है। पर इस मूवी के जो मेन विलन है यानी कि ज़ोया एश्टन, उसने कमाला की दूसरी क्री बैंगल भी पहना हुआ है प्रिज्यूमेबली। तो बेसिकली ये मूवी मिस मार्वल 2 ज्यादा लग रही है कैप्टन मार्वल 2 के कंपैरिजन में। एंड इस मूवी का प्लॉट भी पता चल जाता है कि भाई वो अपने क्री बैंगल को वापस पाना चाहेगी, पर कमाला वो देना नहीं चाहेगी क्योंकि वो यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। और इससे हमें क्री वर्सेस स्क्रल्स के भी वॉर के बारे में भी हिंट्स मिल सकते हैं। पर जैसा इन सारी सुपर हीरो मूवीज में होता है, वो तीनों सुपर हीरोइंस मिलकर उस क्री जनरल को हराकर उस दूसरे बैंगल को भी कमाला को ये दे देंगी प्रोबेबली। और ये मूवी सीक्रेट इन्वेजन के भी प्लॉट को आगे बढ़ाती है, क्योंकि फार फ्रॉम होम में निक भाई स्क्रल्स के साथ घिरे हुए थे, उनके साथ काम कर रहे थे, पर यहां पे हमें सेबर स्टेशन देखने को मिलता है जिसमें कोई भी स्क्रल्स नहीं है। मतलब की सीक्रेट इन्वेजन का मामला निपट गया है और वहां से वो कट्टी होके निक फ्यूरी सेपरेट हो चुके हैं। सैमुअल एल जैक्सन का सही है, काम धाम मिलता रहता है बंदे को।